हाँ जी क्वेश्चन है जी, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास, डायग्राम है जी, डायग्राम इज गिवन, अपने को रिंग है जी, रिंग है जी, यदि लेंथ जेडी अपन दी गई है वो ट्वेंटी मीटर, एक ट्रायंगल है जी टचिंग टू द बेस, बच्चों एक फोन है जी, ये जी लेंथ अपन देती है, यहाँ पर ये लेंथ में दी है, इस पॉइंट से लेके डाउनवर्ड हाइट है ये, फोर्टी सेंटीमीटर। ओके मीटर है ये, हाँ जी, नहीं सेंटीमीटर में ही सारा कुछ है आंसर, वो तो आंसर उसी यूनिट में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, दोनों सेम ले लो बेटा, सेंटीमीटर में देंगे। ओके आपको गिवन क्या है जी, इसका मास ये मिट्टी लाइन हो गई जिसकी, उसका मास दे रखा है जी, इसका पता है कि सर्कल का सेंटर मास कहाँ होगा जी, सेंटर पे होगा, मास क्या दिया जी 2 m, कितना मास है जी 2 m, ये स्फीयर है बच्चों ऊपर, ये स्फीयर है जी, और ये सॉलिड कोन है, स्फीयर है जी और सॉलिड कोन है जी, हम मान लेते हैं इसका ओरिजिन यहाँ पर है, कोऑर्डिनेट है 0 0, क्या कोऑर्डिनेट है जी 0 0, इस सॉलिड कोन का भी कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, लेट दिस बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, रविंदर वेलनी आगे आगे भैया, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। ओके अभी हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जी, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे ये बात ध्यान से समझनी है, आप बताओ कोन का सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ बताया था मैंने आपको, h/4, कॉपी खोल के देखिए क्या बताया था बेटा, तो यहां से इसका मास कहाँ होगा, यहां से ये h/4, सारी हाइट कितनी है 40 है, तो देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट चल रहा है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, बहुत ध्यान से समझना, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और वाई कितना है जी 10 आएगा, 10 आ गया बेटा, याद रखना है कि कौन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है जी, बेस से h/4, अब तो स्फीयर है जी, का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है जी, सेंटर पे होता है, तो अगर मैं देखूँ ये कोऑर्डिनेट कितना है 40, और ये कोऑर्डिनेट कितना है 10, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कितना आएगा 50, ओरिजिन ये है ना, भी ओरिजिन से दूरी, दूरी सारी क्या लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं, कहां से लेते हैं बेटा, डाटा डायग्राम में दे दिया, वरना तो स्टेटमेंट वाइज बहुत लिखना पड़ता है, डायग्राम में डाटा हमने दे दिया है आपको, जो पिंक कलर से काम किया वो हमारी सोच है, हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर ये ओरिजिन लिया है, कोन का हाइट सेंटर ऑफ मास का h/4 होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया जी, ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 40 प्लस 10 50, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। चेंज कर लो, हाँ जी दोनों में किसका हो रहा है, कलर चेंज कर लो, आपको ठीक है जी,
इसका मास कितना लिया जी? हमने इसका मास m लिया है, इसका 2m लिया है। लगाए फॉर्मूला, व्हाट इज RCM? देखो अगर आप देखें R1 वेक्टर लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लीजिए। RCM क्या था जी? पहला मास कितना है जी? इसका मास m, पोजीशन वेक्टर कितना है जी? 10 j कैप। अब आई कैप क्या है पूरा लिखना, तो आई कैप क्या है? 0 आई कैप प्लस 10 j कैप। बेटा 0 तो 0 से ले लिया, ठीक है, प्लस दूसरा बताओ जी कितना है ये? यहां से यहां तक मास कितना है? 2m। कोऑर्डिनेट बोलिए। शाबाश उत्तीजे, बहुत अच्छे। नीचे क्या आएगा? इसका मास कितना है? m। इसका कितना बेटा? 2m। RCM क्या है बच्चों? सॉल्व कर लीजिए। 10m और 10m j कैप प्लस 100m j कैप अपॉन 3m, सो कोऑर्डिनेट्स इज 110 बाय 3 j कैप। ठीक है जी, क्लियर? समझ में आया जी? कहां पर सेंटर ऑफ मास होगा? 36.6 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन ओवर है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, लिखिए। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वी हैव टू थिन रॉड्स, वी हैव टू थिन रॉड्स, ये दोनों ही थिन रॉड हैं जी। दो थिन रॉड्स हैं जी ये, ठीक है जी। बेटे प्रॉब्लम है तो क्लास से बाहर चले जाओ, कोई बोल देना। देखे यार कोई रॉड है जी, टू थिन रॉड्स है, टू थिन रॉड, ठीक है जी। इनका लेंथ दिया हुआ जी, थिन मतलब साइज नहीं है ज्यादा, दिखाने के लिए बनाई है, साइज नहीं है ज्यादा बेटे। तो टू थिन रॉड ऑफ लेंथ कितनी लेंथ है जी? 50 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड COM, इनका आप COM आपको निकालना है। तो इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है जी, कलर चेंज करके समझते हैं। मास इसका भी m है बच्चे, मास इसका भी m है, दिया हुआ है जी मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा। अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं यहां पर, ये 0 0 कोऑर्डिनेट मानूं बेटे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? ये आ गया जी x 0 होगा, y कितना होगा? 25 होगा। x 0 होगा, y कितना होगा? 25 होगा। और इसका क्या होगा जी? x 25 होगा और y क्या होगा? 0 होगा। मास दोनों का m है, तो आंसर में सेंटर ऑफ मास क्या आएगा जी? हरी अप, RCM क्या है जैसा बताया आपको, बताओ। m R1 प्लस m R2 अपॉन बेटा 2m, तो आंसर क्या आ गया? m कितना है जी? m 0 i कैप 25 j कैप प्लस प्लस m 25 i कैप प्लस 0 j कैप अपॉन, आंसर इज 2m। आंसर इज
ये आ गया जी, एम सेम कट गया, 25/2 आई कैप प्लस 25/2 जी कैप, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा जी। तो इस क्वेश्चन का सेंटर ऑफ मास है बच्चे, वो बेसिकली इस लाइन पे लाई करेगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 12.5, 12.5, सेम क्वेश्चन था जी, 12.5, 12.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकालना है जी आपको, स्पेशल डायग्राम इज गिवन। क्या डायग्राम है जी, ये एक स्क्वेयर है जी, यहाँ पर एक और डायग्राम बना रहे हैं जी। ये तीन ब्लॉक्स हैं, दे आर जस्ट टचिंग टू ईच अदर, तीन ब्लॉक्स हैं ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और जो इनका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जी, मान लेते हैं जी ये एक्सिस पे पड़े हैं, ये आपका क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया जी वाई कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं जी ये मास, जो पहला मास है बेटा, इसको एम वन माना है, ये एम टू है, और ये एम थ्री है। इसका जो सरफेस चार्ज, सरफेस मास डेंसिटी, नॉट चार्ज, सरफेस मास सिग्मा है, इसकी सरफेस मास डेंसिटी 2 सिग्मा है, इसकी सरफेस मास डेंसिटी 3 सिग्मा है, और जो लेंथ वाइज अगर आप देख रहे हैं तो लेंथ वाइज क्या है जी, ये स्क्वेयर है तो हर एक का लेंथ ए माना हुआ है, ये ए, ये बेटा यहाँ पर भी ये लेंथ कितना है ए, और ये भी कितना है ए है जी, सेम आर्गुमेंट ऐसा यहां पर भी एप्लीकेबल है, जो लंबाई और चौड़ाई है स्क्वेयर की कितनी है जी ए और ए। ओके, तो फिर अगर हम ध्यान लगाते हैं जी, ये तीन इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे क्या खास है, कि हमें पता है कि सिमेट्रिक बॉडी है, स्क्वेयर है यार, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा जी, इसका कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, इसका कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, और इस वाले का यहाँ पर लाई करेगा। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बाय टू कॉमा ए बाय टू, इसके क्या है जी, 3a/2 कॉमा ए बाय टू। ठीक है जी, इसका क्या आएगा जी, 3a/2 कॉमा ए बाय टू, ये सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी हमें मास निकालना पड़ेगा, आपको सिखाया था कि सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया, याद है ना आपको सिग्मा क्या होता है बेटा, मास अपॉन एरिया, इसका मतलब पहला मास एम वन क्या होगा जी, सिग्मा व्हाट इज एरिया, लेंथ, लेंथ है या ब्रेड्थ है, ए स्क्वेयर। दूसरा मास कितना होगा, 2 सिग्मा इंटू ए स्क्वेयर। तीसरा मास क्या होगा जी, 3 सिग्मा इंटू ए स्क्वेयर, ये मासेस आ गए, आ गए जी मासेस। अभी क्या करना है, चार से इनको फॉर्मूले में डालिए, और आपका आरसीएम बाहर आ जाएगा, क्या आरसीएम है जी, m1 r1 प्लस m2 अपॉन प्लस m3
अपॉन बेटा वैल्यू भरते हैं जी। चलिए शुरू करते हैं। आरसीएम क्या आया, व्हाट इज एम वन? एम वन है जी सिग्मा ए स्क्वायर। आर वन कितना है, कोऑर्डिनेट लगाइए, 3a/2 आई कैप प्लस a/2 जे का प्लस एम टू बताओ कितना है जी, 2 सिग्मा ए स्क्वायर। कोऑर्डिनेट्स बताइए, a/2 आई कैप प्लस a/2 जे कैप। आगे कोऑर्डिनेट बताएं बेटा कितना है जी, मास 3 सिग्मा ए स्क्वायर। कोऑर्डिनेट कितना है जी, 3a/2 आई कैप प्लस अपॉन एम वन के a/2 आ जाएगा। इसको एम वन माना 3a/2 कि वाई एक्सिस कितना है 3y। अरे हाँ ये कोऑर्डिनेट गलत नहीं है ये यार, पहले क्या लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यहाँ क्या आना था? हाँ यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सही करेक्शन है भाई विशु, a/2 और यहाँ क्या आएगा 3a/2। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, हाँ जब हमने एम वन भरा यहाँ पर क्या आएगा, इट इज a/2, यहाँ क्या आएगा 3a/2। क्लियर, ऐड कर लो जी, सिग्मा इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। सॉल्व करें, सॉल्व कर लें जी, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सबका कट जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, कॉमन ले लो ना यार, सिग्मा ए स्क्वायर सबका कॉमन ले लो बेटा, नीचे सिग्मा ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा, सिग्मा ए स्क्वायर काट दो यार, a/2 आई कैप प्लस 3a/2 जे कैप, यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए आई कैप 2 से मल्टीप्लाई करो, ए जे कैप सिग्मा स्क्वायर कट गया है, प्लस सिग्मा स्क्वायर कट गया, 3 3 9 a/2 आई कैप प्लस 3a/2 जे कैप अपॉन व्हाट, क्या गया जी, एक मिनट, ए स्क्वायर नहीं सिग्मा स्क्वायर कट गया था, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 सिग्मा स्क्वायर काट गया ऊपर जैसे। हाँ जी 3 बचेगा ना, 3 3 9 अकेला सिग्मा स्क्वायर कटेगा, यहाँ 2 बचेगा अकेला। ओके अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, बस आई क्या बाहर निकाल लीजिए, देखो a/2 और a/9 a/2 9a/2 और a/2 10a/2 5i हो गया, 5 और i 6i 6ai 3/2j और 3/2j तो क्या आ गया 3 आ गया, 3 प्लस 1 4, देखो 3a/2 ये वाला और 3a/2 3 और डबल 3 हो गया प्लस 1 4, 4a/j/6 क्या आ गया जी, a i + 2a/3 j क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपनी तरह का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन स्पेशल एपीसी, एक स्पेशल क्वेश्चन आपको मिल रहा है, देखिए क्या है, अगर आपको इनफाइनाइट सिस्टम दिया है तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखना जी अभी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। मान लीजिए कि एक रॉड है, ठीक है जी,
इसके ऊपर इसका मास कितना है जी, एम है, और लेंथ इसकी एल है जी। इसके ऊपर एक और रॉड हमने रख दी, इसका हाइट है जी, जो इसका लेंथ है जी, ये एल बाय टू है जी, और मास क्या हो गया जिसका, एम बाय टू। इसके ऊपर एक और रॉड रख दी, मास क्या हो गया जिसका, एम बाय फोर, लेंथ भी क्या हो गई जी, एल बाय फोर। छोटा एल बड़ा एल ये कोई मैटर नहीं करता, ये सिलसिला कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, ये सिलसिला चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। हमने रॉड के ऊपर रॉड रख दी है ना, और रॉड का लेंथ है जी वो नेक्स्ट का एल बाय टू हो गया, मास एम बाय टू, फिर लेंथ एल बाय फोर, मास एम बाय फोर, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता ही जा रहा है बेटे, है ना। ठीक है जी, कहाँ तक पहुंच गए, धीरे धीरे इन्फिनिटी तक जाना है हमें। हाँ तो इन्फिनिटी तक छोटा होता होता एम बाय फोर, फिर एम बाय एट, फिर एम बाय सिक्सटीन, एम बाय 32, चलता ही है, बस चल रहा है, गेम गेम इज गोइंग। कॉर्डिनेट्स आर 0 0, इसका लेंथ क्या है, एल इंटू 0, इन्फिनिटी भगवान के घर तक चल रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, हैंग कर गए क्या है, नंबर कभी खत्म नहीं होता इन्फिनिटी तक। ओए आर सी एम क्या होगा जी, आंसर है पहला मास, पहले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सब जानते हैं कहाँ होगा जी, एल वाई टू, एक्स एक्सिस है, रॉड सारी थिन है जी, क्या गया जी, एल वाई टू प्लस आई कैप, जे कैप हटा दिया एक बार, क्योंकि वाई एक्सिस है, जे कैप पे ही चल रहा है, कोई लंबा काम ही है उससे, सब वाई एक्सिस की तरफ निकाल रहे हैं हम। अगला मास क्या होगा, एम बाई टू, कोऑर्डिनेट क्या आ गया जी इसका, एल बाई फोर कहीं आएगा, ठीक है जी, और इसका एल बाई एट, ये एल बाई फोर प्लस एम बाई फोर इंटू एल बाई एट, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है मुझे, और नीचे क्या करना है मुझे, एम प्लस एम बाई टू प्लस एम बाई फोर प्लस एम बाई एट, कहाँ तक, क्या आपको इक्वेशन लिखनी आ गई, इतना समझ में आया बेटा, थोड़ा सॉल्व कर लूं, एम एल बाय, अगर हम कॉमन निकाल लें क्या निकल रहा है, देखो एम एल ऊपर हाफ, या क्या होगा जी, टू निकाल लो कॉमन यार, एम एल बाय टू कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा जी, वन प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय एट, कहाँ तक, इन्फिनिटी, वन बाय टू कॉमन निकाल लिया, वन प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय एट, एम बाय टू निकाला है ना, यहाँ 16 आएगा, क्योंकि एम बाय टू निकाला है, दो बच जाएगा, 2 8 जा 16 बचेगा, यहाँ नीचे क्या निकाल लो यार, एम एम निकाल लो, वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर एट, कहाँ तक जाना है जी, इन्फिनिटी तक जाना है जी हमें, समझ में आया जी।
बच्चों एक जीपी होता है, इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, जैसे 1 + 1/r + 1/r² और 1/r³। आपको इन्फिनिटी कोई टर्म हो तो उसका जो सम होता है ए अपॉन 1 - r होता है। ए क्या है जी यहाँ, फर्स्ट टर्म। आर क्या है जी, कॉमन रेशो। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 1 है जी। फर्स्ट टर्म क्या है, 1। व्हाट इज आर, आर इज कॉमन रेशो। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा, देखो क्या है कॉमन रेशो, कि 1/r को अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर, 1/r से मल्टीप्लाई कर दूं, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 1/r², फिर इसको 1/r से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ गया, 1/r³। तो 1/r क्या है जी, कॉमन फैक्टर है। अगर मैं हर एक टर्म को 1/r से मल्टीप्लाई करता जाऊं तो मुझे नया टर्म में वो मिलता जाएगा। और कहाँ तक जाना है मुझे, इन्फिनिटी तक जाना है। तो यहां पर देखिए कॉमन रेशियो क्या है जी, ऊपर वाली टर्म में 1/4 क्या है जी। तो क्या आंसर आया ऊपर, एम से एम गया, L/2, इनफाइनाइट ए कितना है जी, 1 / 1 - what is r, 1/4। आर क्या है जी, समझ में आ रहा स्टेप, ये देखो 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 1/4 आ गया। अब इसको 1/4 से करो, 1/16 आ गया, ठीक है जी। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1/2 है, 1/2 से करो, 1/2 आ गया, 1/4 आ गया, 1/8 आ गया। नीचे क्या आएगा, 1/1 - 1/2, ओके okay. क्या बन गया, L/2, 1/3/4 अपॉन 1/1 / 1/2। L/2 उल्टा कर दो, 4/3 / 2/1, 4L/6 × 1/2, 2 to the 4, L/3 क्या गया जी आंसर, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैसे बेटे इनफाइनाइट टर्म को ऐड करना है, आप द्वारा से समझ लीजिए। क्वेश्चन है जी, अ रॉड ऑफ लेंथ कितनी जी, एल हैज वेरिएबल लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा कितनी जी, के x² फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। अपा रॉड द सेंटर ऑफ मास हमने निकालना है जी। अगर इसका डायग्राम आप देखेंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट, रॉड कुछ ऐसे बढ़ रही है जी, रॉड कुछ ऐसे बेटे बढ़ती जा रही है जी। डीएम क्या है जी, स्मॉल मास ऑफ द रॉड, रॉड की डेंसिटी है बेटे कुछ इस तरह बढ़ती जा रही है। कहाँ तक रॉड, रॉड ये कहाँ से लिया हमने, रॉड लिया सेंटर से, यहां से लिए रॉड है सारी ये, ठीक है जी। और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, डी एक्स क्या मान लेंगे हम, थिकनेस ऑफ द रॉड क्या मान लेंगे, डी एक्स।
रॉड है जी, वो ओरिजिन से पड़ी है, ऐसे बढ़ती जा रही है, मोटी होती जा रही है, ठीक है जी। कोई छोटा सा हिस्सा ले लिया जी रॉड का dx, मास क्या जी इसका dm, आप सभी जानते हो क्या है जी लैम्डा क्या होता है बेटा, के एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल मास डीएम क्या होगा जी, लैम्डा इंटू डीएक्स, लैम्डा की वैल्यू डाल दी, के एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, ठीक है जी, क्लियर। क्या कर दो उसकी आरसीएम कैसे आएगा जी, आरसीएम आएगा 0 से लेंथ, याद है जी आपको। फिर क्या लिया था हमने, डीएम, डीएम है साथ में क्या लिया था एक्स, तो पोजीशन कितनी है इसकी, डीएम का पोजीशन कितना है जी एक्स, मास कितना है के एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, नीचे क्या आएगा डीएम की वैल्यू क्या है, के एक्स स्क्वायर डीएक्स। बेटा एक्स इंटू डीएम होता है ना, एक्स इंटू इसका ये क्या है, 0 0 है, तो दूरी कितनी है मास की, एक्स दूरी है, एक्स इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, करंट इंटीग्रेशन के कांस्टेंट, एक्स का क्यूब क्या बनेगा, एक्स का 4/4, ऊपर एल नीचे 0, यहाँ क्या आएगा के एक्स का क्यूब 3/3, ऊपर क्या आएगा एल नीचे क्या आएगा 0, क्या आंसर आया बच्चों, एल का 4/4 -0, क्या आएगा जी एल का 3/3 -0, क्या आंसर आया, एल 4/4 × 3/L³, 3L/4। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा जी, आंसर है जी 3L/4।